डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से 5th लेसन द अलाइंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसकी रचना नानी पालखीवाला ने की है, इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस लेसन में नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा हुआ और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ एक विद्वतापूर्ण लेख है। लेखक हमारा ध्यान उस चिंताजनक स्थिति की ओर खींचता है जिसमें हम हैं। पृथ्वी का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ रहा है और यदि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक दरिद्रतापूर्ण ग्रह नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमें ये विवेकहीन पृथ्वी का दोहन तत्काल बंद करना होगा। और यह है जो जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण करना होगा, तभी हम अपने ग्रह को स्वस्थ रख पाएंगे और पर्यावरण में संतुलन ला पाएंगे और तभी हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ ग्रह दे पाएंगे। तो आए देखते हैं इस लेसन के जो लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो इसमें पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लेटेड। आंसर है इसका, द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर बीइंग इंडिक्रिमिनेटली ओवर यूज्ड। वी आर कैचिंग मोर फिशेज, कटिंग अवर फॉरेस्ट्स टू गेट फ्यूल एंड कन्वर्टिंग अवर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स इंटू डेजर्ट्स एंड वेस्टलैंड्स, दस दे आर बीइंग डिप्लेटेड। दूसरा जो लॉन्ग आंसर टाइप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर अवर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसका आंसर है, द ऑथर एक्सेप्ट्स दैट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हैविंग मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन गेटिंग मोर वर्कर्स, बट वी हैव मोर अनएम्प्लॉयड पीपल हु डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। दे यूज अप नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली, पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड वाई इंक्रीजिंग इनकम स्प्रीडिंग एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, बट सैडली एनफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन प्रूव्स ऑल अवर अटेम्प्ट्स फॉर इंक्रीजिंग इनकम एटसेट्रा फ्यूटियल। और इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें, व्हाट डिड लेस्टर ब्राउन मीन व्हेन ही सेज दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेस्टर ब्राउन बिलीव्स दैट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ हैज नो राइट टू थिंक दैट द अर्थ इज इट्स प्रॉपर्टी। ईच वन हैज टू बिलीव दैट ही इज हैविंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी
टू कीप द अर्थ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिसयूज ही हैज टू फील दैट द अर्थ इज द प्लेस दैट ही हैज टू रिटर्न टू द जनरेशंस टू कम. ब्राउन फर्दर फर्निसेस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव नो राइट टू मिसयूज द अर्थ बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू द न्यू जनरेशंस आफ्टर अस. इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान देते हैं. तो पहला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है वो है विच मूमेंट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेसेस. तो इसका आंसर है द ग्रीन मूवमेंट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस. इट इज अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट. आंसर इसका द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड बाई ग्रीन पार्टी. तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में हाउ डू द अर्थ विटाल साइंस रिवील. तो आंसर इसका द अर्थ साइंस रिवील दैट द कंडीशन ऑफ द अर्थ इज डिक्लाइनिंग. चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज अवर इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द प्लैनेट अर्थ. तो आंसर इसका अवर इथिकल ऑब्लिगेशन इज टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट. वी हैव टू प्रिजर्व अर्थ फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस. पांचवा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आंसर लिखेंगे इसका डेवलपमेंट दैट मीन्स द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. छठवां जो शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चंस वाज राइज्ड बाय द फर्स्ट रेडिट रिपोर्ट. आंसर में लिखेंगे इनवर्टेड कॉमा शुरू करते हुए आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स ए स्क्रॉस्ड प्लैनेट ऑफ डेजर्ट एंड एलिंग एनवायरमेंट. इनवर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क. दिस क्वेश्चन वाज राइज्ड बाय द फर्स्ट रेडिट रिपोर्ट. सातवां जो शॉर्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर अर्थ्स फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स. तो इसका आंसर है द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ आर फिशरीज फॉरेस्ट्स क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स. और आठवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो है व्हाट डज आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड. तो आंसर इसका द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंड्यूर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. नौवां शॉर्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन इनकम राइजेज. तो इसका आंसर होगा व्हेन इनकम राइजेज पॉपुलेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एजुकेशन स्पीड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. दसवां और लास्ट जो इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस अबाउट. तो आंसर इसका देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड
कॉन्शसनेस दैट द अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो इस तरह से इस लेसन के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हुए। इन्हें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।